Hello students, let's start our question number 6 of exercise 2A. इस एक्सरसाइज का पूरा सोल्यूशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. होप सो आपने 1 to 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली होगी. की है प्रैक्टिस? यस. अगर आपने प्रैक्टिस की है, डेली की डेली वीडियो आप देख रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ना आए. मैं आपको हर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर रही हूं, बिल्कुल बार बार चीजें रिपीट करके आपके माइंड में फिट करने की ट्राई कर रही हूं कि आपसे छोटी छोटी मिस्टेक्स, जो सिली मिस्टेक्स होती है, वो ना हो. फिर भी अगर आपको छोटे से छोटे कंसेप्ट में भी डाउट आता है, तो आप मैसेज कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वीडियोज अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक किया करो, इससे थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है, पढ़ाने में भी मजा आता है. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. इवेलुएट 1/4 raised to power -1 - 1/5 raised to power -1, और इस पूरे के बाहर लिखा हुआ है +1 ब्रैकेट के बाहर. देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं. 1/4 raised to power -1, जिसकी भी पावर -1 होती है, पावर नेगेटिव आ रही है, पावर नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल करते हैं. यस, आपने तो प्रैक्टिस कर रखी है. 1/4 raised to power -1, तो पावर को क्या कर देंगे, पॉजिटिव. कैसे? 1/4 लिख के इसका क्या करो, रेसिप्रोकल. कितना आ जाएगा? 4/1. -1/5 को कैसे लिखेंगे, इसकी पावर भी नेगेटिव है, 5/1 लिख देंगे. पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, +1. 4/1 को 4 लिख सकते हैं, इसकी पावर 1 है, लिखो ना लिखो. -5/1 को 5 लिख सकते हैं, इसकी पावर 1 है, लिखो ना लिखो, क्योंकि अंडरस्टूड है, जिसकी पावर नहीं लिखी हुई उसकी पावर 1 होती है, और 1 कैसी होती है, पॉजिटिव की होती है. ये पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव प्लस होता है, +1. अब देखो 4 माइनस 5, 4 में से 5 को माइनस करना है, ये तो होता ही नहीं है ना. 4 में से 5 कैसे जाएगा, देखो एक के आगे प्लस का साइन है, एक के आगे माइनस का साइन है, प्लस माइनस, माइनस कर देंगे. 5 में से 4 को माइनस कर लेंगे, +माइनस, और साइन किसका, ग्रेटर डिजिट का, ग्रेटर इज 5, एंड द साइन ऑफ 5 इज नेगेटिव, सो वी पुट हियर नेगेटिव साइन. कितना आ गया, -1, +1 हमारे पास था, वो एज इट इज लिख दिया. 1 - 1, एक प्लस का एक माइनस का, 1 में से 1 माइनस होगा तो कितना रहेगा, 0 इज द आंसर. ये आपको देखने में थोड़े अटपटे क्वेश्चन लग रहे हैं इस चैप्टर के, लग रहे होंगे, कुछ बच्चों को बहुत इजी लग रहे होंगे. आप बताना मुझे कमेंट करके कि आपको कैसा लगा ये चैप्टर. बी पार्ट 11/12 raised to power -10 / 11/12 raised to power -12, और बाहर ब्रैकेट के क्या है, 1 123/121. 1 इज अ होल नंबर, 23/121 ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है. देखो कैसे सॉल्व करना है, नेगेटिव पावर आप पॉजिटिव बना लेते हैं, इसको रेसिप्रोकल करते हैं, कितना आ जाएगा, 12/11 raised to power 10. क्या हो गया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो पावर क्या बन गई, पॉजिटिव बन गई. डिवाइडेड का साइन एज इट इज, इसकी पावर भी पॉजिटिव कर लेते हैं, क्या करेंगे, 12/11 आ गया, पावर पॉजिटिव हो गई, इट मींस 12 आ गया. मल्टीप्लाई देखो क्या किया, 121, जो ये मिक्स्ड फॉर्म होती है, जो ये मिक्स्ड फॉर्म होती है, इसको मिक्स्ड फॉर्म कहते हैं. मिक्स्ड फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, 121 नीचे लिखा हुआ है, ये तो नीचे ही आ जाएगा. 121 को 1 से, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो. 121 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 ही रहेगा. अब 121 में 23 को इस ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो, ऐड करके कितना आएगा, 144, तो कितना आ गया, 144/121. आ गया आपको मिक्स्ड फॉर्म को चेंज करना. देखो 121 डिनोमिनेटर में था, वो एज इट इज लिख दिया, 121 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 121 आ गया, इसको इसे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना और ऊपर वाला नंबर ऐड करना, तो कितना आ गया, 144 by 121 आ गया. अब देखो 12/11, ये भी 12/11 है,
बीच में डिवाइड का साइन है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। देखो 12 बाय 11 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 12 बाय 11 की पावर 12, ये डिवाइड है। कैसे करेंगे, बेस सेम है, दोनों नंबर सेम है ना, 12 बाय 11 और डिवाइड में है, डिवाइड में है, बेस सेम होता तो क्या करते हैं पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आ जाएगा 10 माइनस 12। ऊपर वाले की पावर पहले लिखेंगे, नीचे वाले की पावर बाद में लिखेंगे, ये मत कर देना जिसकी पावर बड़ी है वो पहले लिख ली और आसानी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पहले वाले की पावर माइनस नीचे वाले की पावर। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 144 बाय 121, कैसे करेंगे इसको, 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर, 12 12 144, 11 11 121, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 144 बाय 121, 12 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121 आएगा, 144 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा, यानी कि इसको भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, इसको भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है, इसका मतलब 12 बाय 11 की होल पावर 2 है, यही तो मतलब है, इसकी पावर भी 2, इसकी पावर भी 2, तो अगर उल्टा सोचे हम, इसकी पावर कंप्लीट 2 है, दोनों की पावर 2 है, अगर इसको ऐसे लिखते हैं होल पावर 2, तो हम क्या बोलते हैं कि ऊपर वाले की भी पावर 2 है और नीचे वाले की भी पावर 2 है। आगे देखते हैं, प्लस माइनस, माइनस साइन इज ऑफ ग्रेटर डिजिट, ग्रेटर इज 12 और 12 का साइन नेगेटिव है, तो इसलिए हमने यहां क्या लिख दिया, माइनस का साइन, मल्टीप्लाई 12 बाय 11 की होल पावर 2 एज इट इज, 12 बाय 11 रेज टू पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई 12 बाय 11 रेज टू पावर 2, कितना हो जाएगा 12 बाय 11, बेस सेम है, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या हो जाएंगी, एड, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर क्या हो जाएंगी, एड, 12 बाय 11 माइनस 2 प्लस 2 कितनी हो जाएंगी, 2 माइनस 2 इज 0, किसी की भी पावर 0 होती है, इट मींस उसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना आ गया, 1। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड दी वैल्यू ऑफ m फॉर विच, क्या फाइंड आउट करनी है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसके लिए, क्या लिखा हुआ है, 7 रेज टू पावर 2m डिवाइड का साइन 7 रेज टू पावर -4 इज इक्वल टू 7 रेज टू पावर -6। हमें पता है बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर को क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। आप क्वेश्चन को देख के डरा मत करो कि ये पता नहीं किस टाइप का क्वेश्चन है, अगर आपने डेली की वीडियो देखी हुई है इट मींस आपके कंसेप्ट क्लियर है, बस जो आपको पता है बस वो लॉजिक लगाओ, बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, तो क्या करना है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, 7 की पावर 2m माइनस, ये माइनस इसका था इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया -4। ये भी हमें पता है अगर एक नंबर के आगे दो साइन होते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या लिखेंगे, देखो 7 रेज टू पावर 2m प्लस 4, ऐसे तो लिखेंगे 2m माइनस माइनस प्लस हो गया 4, ये 7 रेज टू पावर -6 हमारे पास था क्वेश्चन में गिवन है, ये एज इट इज। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, अगर हमने दोनों तरफ कंपेयर करके देखा, कंपेयर करके देखा, हम भी देखते हैं ना एक दूसरे को कि ये बच्चा मुझसे इंटेलिजेंट है, ये थोड़ा एवरेज बच्चा है, कंपेयर करते हैं ना स्टूडेंट्स को, वैसे करना तो नहीं चाहिए, Everyone is unique in their own way. On comparing both sides, दो sides को compare करते हैं, अगर बीच में is equal to का sign है, दोनों sides को compare किया, तो हम क्या करते हैं, base same है, अगर दोनों side base same है, तो उनकी powers भी equal होती है, अगर base equal है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, तो powers भी क्या हो जाएंगी, equal हो जाएंगी, अगर is equal to का sign है, दोनों side base same है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, 2m + 4 = -6, 2m + 4, अगर कोई चीज, कोई भी चीज, क्या कोई भी नंबर, नंबर या डिजिट हमारे पास इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में
पॉजिटिव होती है तो इज इक्वल टू के राइट साइड में जाके वो क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है। तो 2m माइनस 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 क्या हो गया, प्लस। माइनस माइनस प्लस तो हो गया, लेकिन साइन किसका, माइनस का। 2m इज इक्वल टू माइनस 10। जो चीज, जो नंबर प्लस में होता है वो राइट साइड में जाके माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाता है, जो मल्टीप्लाई का होता है वो डिवाइड का हो जाता है, और जो डिवाइड का होता है वो मल्टीप्लाई का हो जाता है। तो 2 इज द मल्टीपल ऑफ m, 2m के साथ मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, ये नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस 10 बाय 2। 2 1 2 2 5 10, m की वैल्यू कितनी आ गई, -5। m की वैल्यू आ गई -5। यहां थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे तो इसलिए फ्लूड लगा दिया। आप अपने नोट्स अच्छे से बनाया करो, गुड हैंडराइटिंग में बनाया करो। अच्छी राइटिंग में बनाने से क्या होगा, आपको चीजें जल्दी समझ आने लग जाती है, उन नोट्स को पढ़ने का बार बार मन करता है। आपकी एक्सरसाइज 2A कंप्लीट हो चुकी है, फिर भी अगर आपको एक एक, जो बिल्कुल एक एक पार्ट है वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल एक एक, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा मैंने, हर पार्ट मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया आपको। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी आती है, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता या कोई भी कंसेप्ट आपका रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।